तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप से मस्त हो गए। तो हेलो दोस्तों, आपको पता होगा कि हर एक यूट्यूबर एक छोटा सा या बड़ा कोई भी माइक यूज करता है, और ज्यादातर यूट्यूबर बोया भाई M1 यूज करते हैं। तो हमने भी फाइनली गाइस ऑनलाइन परचेस कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, हमने भी मंगाया था जियो मार्केट की तरफ से बोया भाई M1। ज्यादातर यूट्यूबर वही यूज करते हैं, तो हमने भी सोचा कि हम भी फर्स्ट टाइम मंगाने वाले हैं, तो हम भी बोया भाई M1 ही मंगा लेते हैं। पार्सल आ चुका है और 5 दिन हुए जब हमने ऑर्डर किया था, और आज जाकर हमारे पास पार्सल आया है जियो मार्केट की तरफ से। तो इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, और क्या कुछ इसमें मिलता है सारा कुछ आपके सामने ही हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। और इसमें क्या कुछ मिलता है वो सभी कुछ आपको सेटअप कर भी मैं दिखाऊंगा, और क्या कुछ मिलता है वो सभी कुछ आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और हेलो दोस्तों, अपने भाई को सपोर्ट अभी तक नहीं किया तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे भाई लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम जियो मार्केट की तरफ से जियो मार्केट में भी फर्स्ट टाइम मंगाया, और हमने बोया भाई M1 माइक भी फर्स्ट टाइम मंगाया। अभी तक हमने ज्यादातर सभी वीडियो है हमारे फोन के जो माइक होता है उससे ही रिकॉर्ड किए है, और अभी हमने जो बोया भाई M1 है वो मंगा लिया है। तो इसकी आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग, और क्या कुछ मिलता है वो सभी कुछ आपके सामने ही दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का हमारे पास पार्सल आया था जियो मार्केट की तरफ से, और जब हमारे पास डिलीवरी हुआ तभी हमने ये तोड़ डाला था, जिसके कारण हमने अब तक ये हमारा प्रोडक्ट है या नहीं, और आप कितनी प्राइस में मिला था। तो आप यहाँ पर अमाउंट भी आप देख सकते हैं 679 इतनी प्राइस में हमें ये जो प्रोडक्ट है जो बोया भाई M1 है वो मिला था। तो चलिए इसको हम बाहर निकालते हैं, और क्या कुछ मिलता है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो हम साइड में रखते हैं, और आप देख सकते हैं इसमें हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल है, उसका सीरियल नंबर है, और हमारा जो मोबाइल नंबर, हमारा एड्रेस, सभी कुछ यहाँ पर डिटेल सभी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं, और के बोया भाई M1। तो इस तरह का हमारे पास माइक आया था जो 680 में आ चुका था हमारे पास। इसकी सारी डिटेल यहाँ पर मिली हुई है, यहाँ पर इस तरह का जो ओरिजिनल है, वरना जो डुप्लीकेट होता है वो यहाँ पर डेस्ट आता है। तो यहाँ पर ये डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल है जो जियो मार्केट की तरफ से मैंने परचेस किया था। तो इसको हम चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग। तो यहाँ से इस तरह से हम खोल देंगे, तो इस तरह का खोल देने के बाद आपको इस तरह का आपको मिल जाएगा। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकलने के बाद इसको हम साइड में रखते हैं, और क्या क्या कुछ आपको मिलता है। तो सिंपल सी इसको हम खलास कर लेते हैं, तो कुछ नहीं है तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। तो इस तरह का एक कार्ड आपको मिलेगा, इस तरह का एक कार्ड मिलेगा जो इस तरह का सर्टिफाइड होगा। तो इस तरह का आपको एक कार्ड मिलेगा, तो इसको भी हम साइड में रखते है। उसके बाद जो ये मेनू कार्ड है वो भी आपको मिल जाएगा, इस तरह से आप यूज कर सकते है। वो मेनू कार्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है सारा कुछ, तो इसको आप पढ़कर भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं, और एक वारंटी कार्ड भी यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह का एक वारंटी कार्ड भी ओरिजिनल में मिल जाएगा। तो इस तरह का वारंटी कार्ड को भी हम साइड में रखते हैं, और ये बोया का 2 स्टिकर भी आपको मिल जाएगा जो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं, और अब चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। इसको इस तरह का आपको पैकेज आएगा, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते, बोया की थैली है वो इस तरह के दिखाई देती है, और इस तरह से होती है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। तो सिंपल से यहाँ पर आपको ये 2 चीज मिलेगी, एक इस तरह का एक पार्सल मिलेगा, और एक जो बोया बाई M1 है जो इस तरह का माइक आपके पास आ जाएगा। तो इसको हम साइड में रखते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह का आपको माइक मिल जाएगा। तो इसको भी हम साइड में रखते है, और इसमें क्या मिलता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद इसको अब हम थल लेते। तो एक आपको यहाँ पर इस तरह का एक सेल मिलेगा, तो उसको भी हम साइड में रखते हैं, और इस तरह की आपको एक पिन मिल जाएगी। उसके बाद आपको एक यहाँ पर जो माइक के ऊपर चढ़ाने के लिए प्रूफ है वो आपको मिल जाएगा, तो इसको भी हम साइड में रखते है। तो आपको ये एक पिन भी मिल जाएगी जो आपको अटैच करने में काम आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की एक पिन भी आपको मिल जाएगी। तो इसको आप अब करेंगे सेट, जो ये बोया बाई M1 है, तो इस तरह का आपको मिल जाएगा। तो सिंपल सी आपको इस तरह से रोटेट करना होगा, तो रोटेट जैसे ही करोगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो
तो आप देख सकते हैं इस तरह से ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सेल चढ़ाना होगा, तो हम सेल अब इसमें से सेल निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये सेल आ चुका है और इसमें अब अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपका मिल जाएगा। तो इसमें अब हम सेल अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने सेल चढ़ा लिया है। उसके बाद ये ढक्कन फिर से हम उसको बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमने बंद कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बंद करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक कैमरा वाला, एक स्मार्टफोन वाला, और बीच में आप जैसे ही रखोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। जैसे आप इस तरह से बीच में रखोगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से बीच में रखोगे तो ऑफ हो जाएगा। तो सिंपल से आपका जो ये सेल है वो खराब नहीं होगा ज़्यादातर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपका जो माइक है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें आपको एल लगाना होगा, तो इसको हम लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये फ्रॉक है वो लग चुका है। उसके बाद यहाँ पर इस पिन को भी हम लगा देंगे, तो चलिए इसको भी हम लगा देते हैं। तो चलिए इस तरह का आपको पिन मिल जाएगा जो अटैच करने के लिए आता है, तो उसको भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो इस तरह से हमने लगा दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा जो बोया बाई M1 है वो तैयार हो चुका है। तो इससे हम अब साउंड रिकॉर्ड कर पाएंगे। इस तरह से हमारा माइक है वो रेडी हो चुका है और ये पिन हमारा जो इसमें इस तरह से अटैच हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से अटैच हो जाती है और ये पिन यहाँ पर किसी और जो म्यूजिक प्लेयर होता है उसमें भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसमें अटैच करके भी आप इस तरह के पिन को भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपल से हमें ये यूज ज़्यादातर नहीं होती है, सिंपल से हमारे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या कैमरा, उसमें सभी जगह यही पिन 3.5 mm जैक ही चढ़ता है, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत अभी तो नहीं पड़ती है ज़्यादातर। तो चलिए इस तरह का हमारी अनबॉक्सिंग है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना ही आपको मिलता है बोया बाई M1 में। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। तो आप उसको भी यूज कर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास है ओप्पो Reno 6, उसमें टाइप सी है और हमारे 3.5 mm जैक उसमें आया नहीं है, इसलिए हमें अलग से उसका OTG लाना होगा, उसके बाद ही हम इसको यूज कर पाएंगे। तभी तक हम PC में हमारा यूज करेंगे। तो PC में कैसे यूज करना है वो सभी कुछ अलग से एक वीडियो बनाकर मैं लाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और मिलते हैं नया नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय और जय।